वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के असेंबली में कश्मीर में जो हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था उसको उन्होंने झूठ बताया, और आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हंस रहे थे। देखे हैं ना आप लोग वीडियो, हजारों संख्या में 1990 में सिर्फ 30 साल पहले कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उसको नकार करने के लिए, उसको मजाक करने के लिए जो लोग के जो मानसिकता है, अमानवीयता जो प्रदर्शन वो किया, इसका ठीक उत्तर ठीक जवाब भारत के हर हिंदू जब चुनाव आएगा तब ठीक से उत्तर आम आदमी पार्टी के ये एंटी हिंदू माइंडसेट को हर हिंदू उत्तर देगा। अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी हिंदू शक्तियां आज भारत के युवाओं को जवाब देना पड़ेगा, वो स्पष्ट करना पड़ेगा आज कि वो किसके पक्ष में, टेररिस्टों के पक्ष में है या जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उनके पक्ष में है। साथियों, ऐसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं ना, ये जो मर्डर्स होते हैं, जिनोसाइड्स होते हैं, बहुत घोर अन्याय होता है जो विक्टिम्स होते हैं उनको, उनके परिवार। उससे ज्यादा अन्याय जब होता है तब होता है जब ये जिनोसाइड के बाद प्रभावी लोग इतिहास से ये जो एपिसोड्स को हटाने का प्रयास करता है। व्हाइट वॉशिंग टेररिज्म इज अ बिगर क्राइम देन परपेट्रेटिंग टेररिज्म इटसेल्फ, which is why today the young of India must give a very very credible answer and extract a heavy political prize from people like Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party. मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, हिमाचल प्रदेश में तो टक्कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से ही है। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में लोग आज रिजेक्ट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, तमिलनाडु, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी को, उनके विचारधारा को, उनके नेताओं को आम जनता आज तिरस्कृत किया है। There is no way we can let them come back and set the clock of development पीछे again in Uttarakhand, in Himachal Pradesh. मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, हम सब के सामने 5-6 महीने का समय है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकर जी के नेतृत्व में तेज गति से काम हो रहा है। हर बूथ में युवा मोर्चा आज मजबूत हुआ है, हमारे युवा मोर्चाओं के कार्यकर्ताओं के ताकत के आधार पर
हम चुनाव को सामना करेंगे और इस चुनाव के संदर्भ में पार्टी के निर्देश अनुसार पूर्ण मेहनत से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। विल यू ऑल प्रॉमिस मी दैट करेंगे इस बड़ी काम को, हिमाचल प्रदेश को जो सेवा करने का जो मौका हम सबके सामने है, इस मौका को हम ठीक से इस्तेमाल करके देवभूमि का श्रद्धापूर्वक सेवा करेंगे। और मैं अमित ठाकर जी से एक निवेदन करता हूं, युवा मोर्चा से एक हम नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसका नाम है भारत दर्शन। ये भारत दर्शन का उद्देश्य यह है कि हमारे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो देश भर घूमने का उनको मौका हो जाए और हमारे जो कार्यकर्ता हिमाचल के कार्यकर्ता तमिलनाडु देखने का, तमिलनाडु के कार्यकर्ता उनको उत्तर प्रदेश नागालैंड देखने का, ऐसा एक भारत को सीखने का, भारत को जानने का और भारत को एक्सपीरियंस करने का एक बड़ा कार्यक्रम भारत दर्शन के नाम से युवा मोर्चा शुरू कर रहा है। इसका जो पहला प्रवास है वो मेरे कर्नाटक से बेंगलुरु से हम शुरू कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के जो विशेषता है वो ये है कि हर प्रवास में लगभग 20 to 25 मेंबर्स के एक टोली होगा जो ये प्रवास पे जाएगा। और इस 25 टोली में लगभग 50% जो मेंबर्स होंगे पार्टिसिपेशन करने के लिए वो मेरे युवा मोर्चा के मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ता होंगे। मेरे प्रवास के अनुभव से ये आया है युवा मोर्चा के जो असली ताकत है वो मेरे मंडल अध्यक्ष और मंडल के टीम के लोग होते हैं, जिला के टीम के लोग होते हैं। वो जो कार्यकर्ता होते हैं मंडल के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, उनके शक्ति के आधार पर युवा मोर्चा के जो स्ट्रक्चर है वो खड़े हैं। पर बहुत सारी समय, बहुत सारे टाइम्स हमारे जो मंडल के और जिला के कार्यकर्ता लोग होते हैं उनको ऐसे बाहर जाने का, ऐसे डेलीगेशंस पे जाने का मौका उनको ज्यादा नहीं मिलता है। मैं भी जिला स्तर से कार्यक्रम शुरू किया था, मेरा संगठन यात्रा शुरू किया था, इसलिए मैं जानता हूं। इसलिए मैं अमित ठाकर जी से अनुरोध कर रहा हूं, हिमाचल देवभूमि है और आप सब लोग मुझे आज इतना प्यार और इतना आदर दिया है, इस ऋण को वापस करने के लिए मुझे एक ही मौका है। अमित जी, आपके टीम से 3 या 4 मंडल के तेज तरार अध्यक्ष और कार्यकर्ता लोग और जिला स्तर के 2-3 अच्छे कार्यकर्ता लोगों को 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है जो हमारे भारत दर्शन के यात्रे मेरे कर्नाटक में, मेरे बेंगलुरु में हो रहा है, उसमें आप भेजिए। मैं उन सब लोगों का, हमारे मंडल अध्यक्षों का, हमारे जिला अध्यक्षों का, हिमाचल से जो आएंगे उनका सेवा करने का मौका, उनका सेवा करने का सौभाग्य मुझे दीजिए। मैं उनको बेंगलुरु लेकर जाता हूं, वहां बेंगलुरु में उनको अच्छे डोसा इडली सांभर खिलाता हूं, फिल्टर कॉफी पिलाता हूं। बेंगलुरु में जो ऐसे हिमाचल से बहुत सारे युवा युवती लोग आए हैं उनसे मिलने का प्रयास करवाता हूं, मेरे घर लेकर जाता हूं और उनका सेवा करता हूं। आप में से 4-5 लोगों के लिए इस टोली में आने के लिए आपको मौका मिलेगा। अमित जी, इसका तय करके आप मुझे चयन करके आप भेजिए।
आज आप सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट सो हैप्पी टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। 5-6 महीने बाकी है साथियों, इतिहास सृष्टि करेंगे। लेट अस क्रिएट हिस्ट्री इन हिमाचल। और जब चुनाव के बाद चुनाव के समीक्षा बैठक होगा, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये बात आनी चाहिए कि इस जीत युवा मोर्चा के ताकत के कारण से करेंगे। ये वादा आप देंगे मुझे? जोर से बोलो भाई, देंगे आप ये वादा? दोनों हाथ ऊपर करके आप पूर्ण ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।